अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुमरा के चांद नगर स्थित सानिया हॉल के पास इकबाल शेख नामी बिल्डर द्वारा बनाई गई अवैध बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला के साथ अवैध बिल्डर इकबाल शेख द्वारा अन्याय अत्याचार करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला ने मीडिया को बताया कि इकबाल शेख की बिल्डिंग में हमने 1.5 साल पहले एक घर 16 लाख में खरीदा था, जिस घर को अब उसी इकबाल ने 2 लाख मेंटेनेंस पर किसी और को दे दिया है। और आज उसी बिल्डर ने इकबाल नाइक की मदद से कुछ महिला और पुरुषों को लेकर हमारे घर पर धावा बोलते हुए जबरन घर से निकालने का प्रयास किया, साथ ही हमारे और हमारे मासूम बच्चियों के साथ मारपीट भी की। इस पूरे मामले को लेकर हमने उस महिला से बातचीत की है, वो हम आपको सुनाएंगे। हालांकि इस मामले में हमने जब दूसरे पक्ष से जानकारी लेनी चाही तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका और आज पुलिस स्टेशन आए थे, क्या हुआ और किस तरीके का आपके साथ अन्याय हुआ? मैं आरिफा शेख बोल रही हूँ। हमारे घर में बिल्डर घुस के हमारे बच्चियों के साथ जबरदस्ती करता है, और मैं बोली ना तो उसके ऊपर ना मेरे को भी घसीटा और फोन करके सब बाहर के औरतों आदमी लोग को बुला के ना मारम मारी कराया, और मेरे को भी मारा गया। और मेरे घर के पूरे सामान जो है उठा उठा के बाहर रख के बोलते अभी इसका घर खाली करा करके। कौन था बिल्डर, क्या नाम है बिल्डर का? इकबाल से एक बिल्डर है। हाँ। और इकबाल नायक उनको फोन करके बुलाया, पूरी औरतों को आदमी लोग को घर में लेके घुसा इकबाल नायक। अच्छा, तकरीबन कितने लोग थे जब आपके घर में घुसे? तो मेरा पूरा घर भरा था भाई। अच्छा, तो आपको मारा गया था? मेरे को मारा गया, बाल खींचे मेरे पीठ पे, और एक पतला लंबा छोकरा था वो लास्ट में मेरे पीठ पे मार रहा था। अच्छा, पीठ पे मार रहा था। आप आइए, कितने बजे घटना है, कब की घटना है ये? 3-4 बजे गई घटना। आपके घर में इकबाल नायक और इकबाल जो बिल्डर है इकबाल शेख, ये घर में घुसा था, वो घर कहाँ पर है और क्या कारण से घुसा था, क्या वजह है, क्या विवाद चल रहा है आपका? चांदनगर तोसा सानिया हाइट रूम नंबर 110। हाँ। उसमें मैं रह रही हूँ, और वो घर हम लोग मैंने खरीदी हूँ। अच्छा, आपने खरीदे? हाँ, 16 लाख में। हाँ, आपके पास एग्रीमेंट वगैरह सब है? एग्रीमेंट भी है। और वो क्या बोलता है, ये घर मैं बेचा ना, इन लोगों को रहने के लिए दिया हूँ। अब पहले बोल रहा था ये घर मेरी औरत। किसके नाम पे है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मेरे नाम पे है। आपके ही नाम पे एग्रीमेंट है? हाँ। फिर भी वो बोल रहा है कि ये घर मैंने बेचा? हाँ, नहीं है, बेचा नहीं हूँ। अच्छा, अब अभी दूसरी औरत को घर में घुसा दिया है। हाँ। बोलता है इनको 2 लाख में मैं हाईवे पे दिया हूँ, ये लोग रहेंगे। तो मैं उनको जबरदस्ती कर रहा है, मतलब आप उनको बोले तुम बिल्डर से समझो, तुम बिल्डर से तुम्हारा पेपर बना। तो बोलती बिल्डर हम लोग को घुसा है, तुम जाके बिल्डर से। आप उस घर में कितने साल से रह रहे हो? हमारे साथ मारम मारी कर रही है। आपा, आप उस घर में कितने साल से रह रहे हो? 1.5 साल से वो घर में रह रही हूँ। 1.5 साल से? बुकिंग कब कराए थे आप? बुकिंग कब कराए थे? बुकिंग हमारा 1.5 साल हुआ बुकिंग हो गई। घर कब लिया था आपने? एग्रीमेंट हमारा बना 1 साल हो रहा है। 1 साल हो रहा है। हाँ, और 1.5 साल हो रहा रहने के, क्योंकि शिफ्टिंग पहले हम लोग को दे दिए थे। पहले शिफ्टिंग दे दिया गया, आधा पैसा दे दिए थे ना। हाँ। इसके लिए शिफ्टिंग पहला दे दिए थे। अच्छा, अच्छा, ये इकबाल शेख तो बिल्डर है जो घुसा था, इकबाल नाइक का क्या रोल है उसमें? इकबाल नाइक को ये बिल्डर बुला के लेकर आता है, उसका हमारा कोई कुछ लेन देन नहीं, ना हमारी उसकी दोस्ती है ना दुश्मनी है, लेकिन इकबाल शेख उसको लेकर आता है। अच्छा, इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था या आज ही हुआ है? इससे पहले भी 9 तारीख को हमारी बच्चियों को भी मारा गया था, मैं घर में नहीं थी। और मेरा घर 4 तारीख को मेरा दरवाजा जो है उखाड़ के लेकर गए, तो वो सब भी हम लोग मतलब उस पे डाले थे न्यूज पे। अच्छा, आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए हो, मुमरा पुलिस स्टेशन वालों ने आपको, मुमरा पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? यहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, डीसीपी ऑफिस के हम लोग कब से बैठे। कितने बजे आप आए थे मुमरा पुलिस में? कुछ 4-5 बजे हम लोग। 5 बजे से आप बैठे हो? हाँ। अच्छा, 5 बजे आप आए थे यहाँ पे? हाँ। तो आपकी शिकायत दर्ज की है कि नहीं की है? हमारी कोई शिकायत नहीं लिखी, हमारे सामने ही बिल्डर की एफआईआर ली जा रही है। और आप सीनियर के कैबिन वगैरह में भी गए थे? सीनियर के कैबिन की कैबिन में भी गई थी, सीनियर बोला एफआईआर लो, लेकिन फिर भी वो लोग हमारा एफआईआर नहीं लिए। अच्छा, एफआईआर नहीं लिए, मतलब सीनियर ने कहा था जो चार्ज पे बैठे है उनको कहा था कि एफआईआर लो, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं लिए, एनसी लिखे, बस एनसी लिख के दे दी 323, 504, 506। का भी नाम लिखा ही तो एक बार। अच्छा, आपने बोला था इकबाल नायक का नाम लिखा, उसका नाम नहीं लिखे, नहीं लिखे पुलिस वाले। ठीक, बच्चों का ले लेते ना थोड़ा सा, हमारे घर का हो गया ना इनका। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम अरीशा है। मैं हम लोग सब अंदर थे, उन लोग उसका
सब आदमी लोग को लेकर आया, उसने डायरेक्ट अंदर आके चिल्ला रहा, हम लोग को धक्का धक्का दे रहा, हम लोग बोल रहे कि नहीं अभी मत तो अभी कोई है नहीं, तभी भी वो आ रहा, बदतमीजी कर रहा। आप लोगों के साथ बदतमीजी है, किसने किया बदतमीजी? इकबाल शेख। इकबाल शेख जो बिल्डर था? हाँ। अच्छा, और उनके साथ में कितने लोग थे? जाफर उसके उसमें काम करता है वो भी था, वो भी हम लोग को धक्का दे रहा, हम लोग उससे हाथ छुड़ा रहे, तो सब औरतों को फिर वो बुला रहा हम लोग को मार खिलाने के लिए। अच्छा, औरतों को भी बुलाया गया? हाँ, औरतों को भी सबको बुलाया, औरतें ने भी हम लोग को मारे। अच्छा, औरतों ने भी मारे? हाँ, तो पुलिस स्टेशन में आए थे, आपने कंप्लेंट लिखा है उन लोग के खिलाफ? लिखाए थे, लेकिन कुछ कंप्लेंट हम लोग के नाम पे हुई नहीं, हम लोग इतना बोल रहे, पुलिस खड़े, कुछ सुनवाई नहीं हो रही हम लोग की। अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है। तो अभी आगे क्या करने वाले हो आप लोग? बेटा पढ़े लिखे हो, क्या दिमाग काम कर रहा है आपका, कहाँ जाओगे आगे? अभी ये लोग शिकायत नहीं दर्ज कर रहे तो बिल्डर के खिलाफ आप लोग कहाँ जाने वाले हो? अभी क्या करोगे? हमारे यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे इसकी कार्रवाई करेंगे। अच्छा अच्छा, पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, हमारे यहाँ उम्रा में कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है आपके कहने के हिसाब से, तो आगे जो कमिश्नर साहब हैं, एसीपी साहब हैं, एडिशनल सीपी, क्या अपील करोगे आप अपनी तरफ से कि कैसी कार्रवाई, कैसी मदद चाहिए आपको पुलिस प्रशासन से? सर, हमारा घर, हमको जो घर में बैठा ले उन लोग औरतों को बैठा के रखे, उन लोगों को निकाला जाए, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए, जो हमारे बच्चों के साथ जबरदस्ती लोग करने की कोशिश की। अच्छा, आपके बच्चों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश?